फिलहाल हमने दो दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। अग भाई हमने तोड़ी करी थी और मदद की अपील करी थी। एक बेटी के सपने तो तड़कर राख हो गए थे, शादी घर में थी। फिलहाल पुलिस वाला अपने साथियों के साथ छोटा हाथी महल कन्यादान देख है, हमने अपील करी थी उसको सार्थक कर दे। हमने भी कहा था जो भी सहयोग करना होगा हम वीडियो के माध्यम से संदेश भी देवांगे। 11 बजे का टाइम था जब मैं ड्यूटी से गया तो मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरा नींद नहीं आई सवेरे, मतलब 7:15 बजे तक मैंने 4 बजे मैंने तेरे पे फोन करके है। जो सामान देखो जलकर आग हो गया था उस मौके पर हम पहुंच गए। फिलहाल परिजना ने भी हम बुलावांगे, मदद तो आने लग रही होगी सोशल मीडिया है जी। मदद आने लग रही है जी, तेरे भाई लगा ले, बड़े बुजुर्ग लगा ले, हमने अपना हम फर्ज निभावांगे सारा। नुकै भाई मैंने यू सूट पसंद आया 2400 का 2500 का होती मैं वो देऊंगा जी। आपके ऑन कैमरा ही कहकर जावा जब भी मतलब और जरूरत पड़े, ये मत सोचियो भाई नहीं भाई शर्मा गए। अरे ये दहेज नहीं, यू एक जरूरतमंद परिवार की जरूरत को पूर्ति करने का एक सहयोग है। और कन्यादान के ऊपर कोई दान नहीं, कन्यादान महादान। आपका बहुत धन्यवाद, धन्यवाद है हमारे संसार क्रांति परिवार का। चलो फिलहाल हमने दो दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, अग भाई हमने जोड़ी करी थी और मदद की अपील करी थी जोड़ी करके कि भाई आप एक बेटी के सपने तो तड़कर राख हो गए थे, शादी घर में थी, पिता मजदूरी कर रहे हैं, आय का कोई साधन को नहीं, मदद के लिए अपील करी थी। फिलहाल पुलिस वाला अपने साथियों के साथ छोटा हाथी महल लेक है कन्यादान लेगा, हमने कन्यादान की अपील करी थी। छोटा हाथी पूरा का पूरा ही उस कन्यादान का सामान था, पर सामने आप देख रहे हो पिकअप बुला रहा हूँ मैं। देखो ये सुनील संधू भाई आ गया अपने साथियों के साथ, और फिलहाल जो कन्यादान की हमने अपील करी थी और इस चीज की शुरुआत की जरूरत भी थी, वीडियो बहुत वायरल हुई थी। हमने भी कहा था जो भी सहयोग करना होगा हम वीडियो के माध्यम से संदेश भी देवांगे ताकि लोगों में भी यह भावना हो भी कोई जरूरतमंद लोग हो छत्ती बिरादरी यानी कि जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय तो ऊपर उठकर मदद करी जावे। तो फिलहाल सुनील संधू अपने साथियों के साथ कन्यादान की जो हमने अपील करी थी उसको सार्थक कर दे। फिलहाल सुनील भाई तो आप लोगों को कैसे जानकारी हुई थी भाई? भाई हमने मैंने कल रात 10:30-11 बजे का टाइम था जी। जब मैं ड्यूटी से गया तो मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरे पास शेखर भाई है बिल्डर का, इनका फोन आया कि एक वीडियो देखी है। मैं यार बना दू की किसी ने आजकल है नी आप कह करो कुकर मुते आदो ऐद का सौदा लागे करने, किसी का घर गरीब का घर दिखा दिया, अपना रिश्तेदार का दिखा दिया, क्यों बोले ना करमू की थी फिर मैंने वो टोई। तो भाई मैं कई बार नहीं देख पाते, फिर मेरा नींद नहीं आई सवेरे, मतलब 7:15 बजे तक मैंने 4 बजे मैंने तेरे पे फोन करके है भाई के मैटर है, फिर आप भी सुते हो गए, मैंने मैसेज छोड़े मैं सवेरे बात करी हो, आपका भी नहीं फोन आया, फिर हमने कैथल आना था ड्यूटी पे, तो मैंने फिर अपने भाई वालों फोन करे यार भाई महा इस तरह है, और शेरू खेड़ी तो मेरी बुआ का काम भी है, मेरी बुआ यहाँ शादीशुदा है, तो फिर अपने भाई है तो ये बोले भाई ठीक है, फिर हम सामान भी फिर हम इकट्ठे हुए, फिर इकट्ठे होगा हमारी बात बन गई, मां चलो भाई जितना उसका ऊपर का होंगे। तो शेखर भाई भी आ गया बिल्डर का है, सुरेश भाई है सुंदरपुरा है, राहुल भाई है। देखो एक एक पिता के लिए जो दिक्कत खड़ी होगी थी, अब ये कन्यादान की प्रक्रिया आप देख रहे हो, बेटी की शादी होनी है थोड़े दिन बाद, अब आप इस परिवार में मैंने कहा था एक तरफ दुख के आंसू थे अब खुशी के आंसू हम तब्दील हो जाएगा। जो सामान देखो जलकर राख हो गया था उस मौके पर हम पहुंच गए, फिलहाल परिजना ने भी हम बुलावांगे। ये देखो भाई आप ये दिखा रहे थे नहीं उठा बचा है कुछ को नहीं, उनका रंगकलन लाग रहा भी कितना नुकसान हो गया भाई, बचा है कुछ को नहीं, आप ये उठा कर दिखा रहे थे नहीं है। देखो ये सिलाई करके अपना गुजारा करे जो मशीन मजदूरी करे, मैंने पता लगा था फिर भाई मैं एक बार अपन जाया वहां जितना उसका दे आवांगे यार, फिर भी कोई कमी शमी रहेगी नहीं, फिर भी इस परिवार के साथ खड़े, और इस गाँव के तो है नी मेरे बहुत से साथी है, मेरे साथ कबड्डी भी खेले हैं और कोई बाहर भी जा रहा है, कोई जेई एम हुई तो और भी साथी है, मैं उनकी भी फोन करूंगा। परिवार के सदस्य है यहाँ बुलाइयो, परिवार के सदस्य ने बुला लो है, हाँ उसका पापा देखो मजदूरी कर रहे हैं वो गार्ड की नौकरी कर, भाई पता क्या है अच्छा आप अच्छा लड़की के दादाजी हाँ जी ठीक ठीक आ जाओ बेटे आ जाओ, इसकी यस कर दी नहीं मतलब कमी शमी छोड़ना का नहीं, मैं तो शादी जब की होगी बताया भी दियो, मदद तो आने लग रही होगी सोशल मीडिया की है जी, मदद आने लग रही है जी। चलो ये देखो इन्होंने कमरा कुमरा जड़ा भी बन जाएगा भगवान, मैं सारे साथियों से ये अपील करूंगा, देखो साथ कुछ नहीं जानता, और हमारे बुजुर्ग कह कर कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं,
फिर मैंने एक बच्चे की जो है नहीं, मतलब वैसे तो हम ये दहेज दूज का खिलाफे हैं, लोग अपने अपने अर्थ भी निकाल रहे हैं, लेकिन जब अब इनके पास सोने के लिए कोई जगह भी नहीं होगी नहीं, तो इसलिए सामान जो जरूरत का है हमने ये हमने सोचा भाई चलिए लड़की का भी काम है। उधर रखे अच्छा रही बात ऐसे गुड़िया की, आपने डीएमसी दिखाई थी उठा उठा कर तो बड़ा फील होया। ये तो इसकी गुड़िया ये ले लो, इनकी मम्मी दे दे भाई। लो जी मैं एक और कहना चाहूँ जी, गुड़िया जब गुड़िया के साथ दियो, मेरा दुकान है थल्ला, दुकान का नंबर है जी। क्या नाम है आपके उसका? लिबास सूट पैलेस अपोलो चौक मरवाड़ा, कपड़े दुकान है जी। मैं 11 सूट गुड़िया के आदर है, जो गुड़िया आदर है सूट पर वो गुड़िया के वो 11 सूट मैं अपने आदर का नुके भाई, मैंने यू सूट पसंद आया 2400 का 2500 का हो जी, मैं वो देगा जी। कदे भी मेरी दुकान का थल्ला पर एड्रेस है जी, लिबास सूट नरवाना। नाम भाई सुरेश कुमार है जी। देखो जब भाई ने बात करनी मेरे रोंगटे खड़े हुए, और ये चीज की जरूरत है, इन चीजों की शुरुआत होनी चाहिए। भाई हमारी जो टीम है, मतलब जो हमारा भाईचारा ही लगा हमने, मतलब कोई वो नहीं कर रखा, कोई हमारी संस्था सुस्ता हो, ये वह भाई खड़े हैं साथ, जब भी इन तीन हुआ नहीं चलो, चाहे कुछ पल्ला हो चाहे ना हो, ये कई बार आदमी ने सोचा है नहीं मतम छोड़ दो, अब करम परमात्मा विश्वास। और बूढ़े कही रहे कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं, नरवाना था इसकी बेट में सुरेश की, मैंने पहला भी आ जाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो भाई हमारे चौथे तय है यूएसए जा रहे हैं, राहुल भाई आए कर दिखा दे भाई मोहित, देख राहुल के 4-5 भाई है वहाँ, मतलब उनकी मर्द संपर्क कर भाई सुनील भाई हम दे करांगे ये करांगे, तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी, मैं राहुल ने भेज दे करो भाई, यू राहुल उस टाइम तो हमारा गले ही आवे, 4-5 जगह से खरीदा लिया, दीपक 3-4 साल तक लग गया, मनदीप 9 की कई साल, मतलब ये वह भाई है बेरोजगार बेसिक से, वो गुरु नाम है, मतलब ये टाइम दे, आज के टाइम में टाइम देना बहुत बड़ी बात है। और जो आप भी वो दिखा रहे थे नहीं बेटी की, वो डीएमसी वगैरह चली गई, ये डुप्लीकेट निकल जाएंगे बेटा, इसमें घबराइए वो डॉक्यूमेंट निकल जाएंगे, डुप्लीकेट कॉपी आ जाएंगे इनकी, मतलब भिवानी बोर्ड था जो हमारी जरूरत पड़ा हमने बताया भी, मैंने बेटे उस दिन कहा था तो मैं 1% भी घबराने की जरूरत नहीं था हमने, ठीक है ये भी नो समझ ले। देखो जब वीडियो लोगों तक पहुंची है तो हमें तेरे भाई लगा ले, बड़े बुजुर्ग लगा ले, हमने अपना हम फर्ज निभाएंगे सारा, ना ये प्रकृति की मारो है भाई साहब, इसमें अगर ये साथ जल जाते फिर क्या हो जाता। सही बात है, जब आपने सिग्नस हॉस्पिटल लो भी एक ऐसा ही हुआ था 2 साल पहले, उसका भगवान नहीं है, जो भी हो अच्छे के लिए हो, ये मत सोचो भाई हमारा नुकसान हो गया, आपने किसी का देना होगा, अपना दिल कैसे भी समझा लो। और भाई मतलब आपके ऑन कैमरा ही कहकर जावा, जब भी मतलब और जरूरत पड़े ये मत सोचियो भाई नहीं भाई शर्मा गए, चाहे मतलब जो जितनी भी वो कर सका वो करके जाओगे। चलो हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी आप? देखो मैंने उस दिन कहा था आप लोगों ने घबराने की जरूरत नहीं, हो जाएगा, और पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हुई है, तो आप लोग बताओ जी। अब ये सुनील भाई पहुंचे अपने साथियों के साथ, से ज्यादा कल देख लिया था खंदा आड़ लग रही जी, आपका बहुत धन्यवाद जी, पहले खाते हमने धन्यवाद है हमारे संसार क्रांति परिवार का, उनका दिल की गहराई था, दिल का चौमत है, गठड़ी बांध के भरोटे भर के जोड़े ठोक के बोरे भर के, ढेर सारा धन्यवाद इसलिए है क्योंकि जब जब भी हमने अपील करी है आप लोगों ने ठोक के मदद करी है। यह आज जिक्र सुनील भाई पहुंचे हैं, अरनू का सारी रात नींद नहीं आई, इसने इसके साथियों ने बेचैन हो गए, अरे भाई ने जब यह बात कही नहीं, बोले बेटे बोले जब तेरी शादी का टाइम आओगा तो जिस सूट पर तू आदर देगी वो ये ले लिए, मेरी दुकान है लिबास के नाम से भाई की। हाँ जी विश्वास है, मतलब हम नाने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे तो ब्याह में आ गया अलग बात है, क्योंकि मैं परमात्मा का इतना भरोसा करूं, कोई कह नहीं भगवान नहीं है, सब कुछ हो रही है, इस गाम राम की तय अपील कर दूंगा मैं, भाई जो भी भाई ये वीडियो देख कर, जो मेरे भी साथी मेरा गला कोई पढ़िया है भाई वो मदद कर दो, मतलब इसने अगर एक बेटी और ब्याहनी हो जी भी जरूरत नहीं पड़े, हर सुनता है तो ताई चाची बुआ और लोग घाटे को नहीं होता। देखो परिवार बिल्कुल अपील है भाई, मेरी तो बुआ ही लागो भाई, इस बेटी ने सूट बर्तन किन चीजें की जरूरत की, मतलब जो भी जरूरत है कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारा दौरा तो बल्कि कोशिश ही ना हो मैं आना पड़ा। चलो पहली बात तो हम यही परमात्मा से प्रार्थना करा भाई इसी नौबत ना होवे, अभी घर का सब कुछ सामान जलकर राख हो जर खाक में मिल जाए, सपने खाक में मिल गए, फिलहाल जो मंजर हमने दिखाया था ये तस्वीरें आप देख रहे हो, पहले की भी तस्वीरें इसमें साथ में आपने दिखने लग रही होंगी, गूगल पे नंबर और बारकोड दोबारा हम इसमें भी वीडियो में डाल रहे हैं, ताकि जो परिवार की जो गम के आंसू थे वो खुशी के आंसू में तब्दील हो जाए। और हमने कहा था बूंद बूंद से सागर भरता, वो आप प्रत्यक्ष को प्रमाण कर सकता नहीं, वो नतीजा आप देख रहे हो, फिलहाल जो सामान उतरने लग रहा है वो दिखा रहे हैं। एक बार मैं इनकी जो गुड़िया की माता जी है, अब खुश हो आपको दिक्कत तो नहीं?
ठीक है तो हिम्मत आ गई होगी। उस दिन गुड़िया रोने लग रही थी पीटीआई, अपने बेटे हिम्मत से काम लेना बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। रोना किस बात का? हाँ पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है, पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है, और जो तेरे डॉक्यूमेंट है ना डुप्लीकेट निकल जाएंगे हमें ठीक है। अबे चल जल्दी फिर के कर लेंगे। हाँ है सारी उम्र तड़प है बहुत है, वो पीछे सिरटा रोड पे गई थी और रोटी पोई कर शादी है, उसका कही लड़की है उसके बेचारी का वो छिन्नर था पकड़ कर वो सारी चढ़ गई थी बच गई। ये बाजू ओड़ा चढ़ा रोटी पे वो बना रही थी हमें। हाँ, वो तो चाहिए कि 10 रुपए ना ना एक 10 रुपए दाल चौल का करखिया बस स्टैंड पे। अब वो वही लग रही है अपना, उसका गुजारा हो रहा है जो करवा परमात्मा। खाकी के कई रूप हुए लेकिन यू रूप खाकी का जब देखता तुम्हारी छाती चोरी हो जाए। आज आपने सामान आपको दिखा दिया जो पिकअप भर कर लाए हैं सुनील चंद और उनके साथी, फिलहाल परिवार का हौसला बढ़ाते हुए। और ये कन्यादान भी देखो सामान तो आया है, कन्यादान कितना किराया आपने? नहीं फिर भी थोड़ा देखो बताऊं मैं, सुनो मैं इसलिए सुनो इसके पीछे भी लॉजिक है मेरा, ये हौसले की चीज है, आपका हौसला देखो और भी हौसला मिलेगा। हाँ मैं ये मतलब टोटल सामान समून लगाया गया 33-34 हजार का है, कन्यादान भी आ गया जी जी। कोई बात नहीं भाई साहब, और सुनो भाई इनको कह रहा है अच्छाई फैलानी पड़ती है, सच्चाई फैलानी पड़ती है, इसके पीछे मकसद भी हमारा था कि आप इस वीडियो में देखोगे तो आपके आस पास भी कोई जरूरतमंद लोग होंगे तो आप में भी वह हिम्मत और एनर्जी और हौसला आवे, आप भी मदद करो, किसी के लिए भी दिक्कत हो उसके है नुगारा जिस पे भी तो उदाना। ये आप देखो सामान, देखो घर में तो घर तो उनका दड़का राख खोलिया, सामान दड़का राख खोलिया, कुछ सामान जो है कन्यादान के रूप में आम बिनों को, ये कन्यादान महादान इसका बड़ा कोई दान नहीं भाई, ये पिकअप भर कर ले आए थे ये। अच्छा एक चीज और है, सारी चीजों को हम देखा तो यावा चीज है जिस चीज को कहते हैं सामाजिक ताना बाना, इसको बनाए रखना हम सब का फर्ज है। कुछ लोग हैं समाज में जो जिंदा जमीर वाले हैं, जो इस वीडियो में तमने लोग दिखे जो मदद कर पहुंचे हैं वह हैं वो जिंदा जमीर लोग, जमीर वाले लोग, और हमने अपील करी थी लोगों ने आपने सुनी, धन्यवाद। संबंधित कर लियो कई आदमी है नी मैं वो तो आप इसके देश के खिलाफ है बड़ा आवाज है जी, अगला का सारे छोटा सौदा चढ़ गया। हाँ। रहे भी कुछ नहीं, और ऊँ ये बड़े लोगों के चोचले हैं। मैं आज भी कड़वी सच्चाई बताऊं, गरीब देवागा देश थपागा। हाँ। अमीर लेवागा बोले लिया को नहीं, मैं इतने उदाहरण दे दूंगा। हाँ, नगद ले ले हैं बोले छोरी का खाता में भेज दे, हम तो कुछ नहीं लेंदे, वह भी दोनों के हैं। मतलब वो 1-2% है भाई जो बिना देश की शादी। अरे भाई मैं आज मतलब कैमरा का माध्यम से एक बात कहूँ, जो बिना देश की शादी करता हो, मैं तो 1 किला जमींदार हूँ, मेरा भाईचारा है, माँ में कराऊंगा भाई, फरी कितनी भी हो चाहे 1000 हो चाहे 10 हजार हो। ये बहुत अपना हरियाणा में कोई बिना देश की भाई जो गुरु बेटी ले आया और अगला है गया और वो कहीं बिठा गया ले गया सोट सोट मार दो दाल रोटी, वो हम करेंगे कहीं भी हो तो बता दिए। चलो ये बहुत अच्छी, और बिल्कुल उनके लिए है मेरा जवाब, अपने इतने भाई नहीं है इनका शामिल आ रहा हूँ कर्मों का, कुछ बेचना पड़ो। नहीं मैं एक चीज और खुल कर कहूंगा, देखो बिल्कुल नहीं ठीक है, सारे डाल के खोपड़ी वाले लोग हैं, मन मन नु कहते थे बढ़ावा दे, मैं कहूँ जब घर में बर्तन की कोई चीज ही नहीं रही था, दहेज तो बहुत बड़ी दूर की बात है, और ये दहेज नहीं, ये एक जरूरतमंद परिवार की जरूरत को पूर्ति करण का एक सहयोग है, और बेटी का हौसला बढ़ाने वाला वो है, और कन्यादान के ऊपर कोई दान नहीं, कन्यादान महादान आत्म बल और आत्म विश्वास वाली वीडियो ने जिला का शेर सवा शेर पर शेर कर दियो। अपना कैथल में एसपी मैडम ने एक अब मुहिम चला रखी है, हमारे डीजीपी ने भाई कोई नशा बेचता हो तो बण में 540-49-337 पे कॉल कर दो, अगर कोई छोड़ना चाहता हो तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा उसकी दवाई फ्री है, और एडमिट करना है तो एडमिट फ्री है, न्यूनिया में नशा मुक्ति केंद्र में धक्के खाने हैं, और ये एक बहुत अच्छी पहल है। हम यही कहूँ भाई अपने हरियाणा को स्मैक चिट्टा फीम बुक की जिस डाल के भी नशे है, अगर आपके एरिया में कोई बेचा है तो आप कॉल कर दियो, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, न्यू नहीं डरना भाई मेरा नाम आ जाएगा ठीक है जी, हमारा इस मुहिम में साथ दीजिए जी। बण में 540-49-337 ये कैथल का नंबर है, और अपना रिश्तेदार हो और मैं पूरे हरियाणा का बताऊं 90-508-98-508 इन नंबर पर संपर्क कर दियो, कहीं भी किसी प्रकार का नशा बिकता दिखे जिससे अपने समाज को नुकसान होता हो। दोबारा तो फिर कहूंगा वीडियो ने जिला का शेर सवा शेर पर शेर कर दियो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू, जय हिंद जय हरियाणा जय जवान जय किसान।